नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा अतुल ऑटो लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इत्मीनान से समय निकालकर सुन आप वीडियो पूरा देखेंगे तो जरूर आपको फायदा होने वाला है। अतुल ऑटो एक का जो स्टॉक है वो मल्टीबैगर स्टॉक है। मल्टीबैगर स्टॉक किस तरीके के होते हैं ये बात आपको अतुल ऑटो के स्टॉक के इस वीडियो से पता चलेगी, जिसने कम समय में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, बनाकर रिटर्न दिया है। और पिछले छः दिनों से करीब इसमें देखेंगे तो 50% की तेजी आई है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। और इस स्टॉक का नाम है अतुल ऑटो, अतुल ऑटो लिमिटेड। और साल के अब तक कंपनी के शेयर की मैं बात करूं तो कंपनी के शेयरों में 96% की तेजी आई है, यानी कि अगर साल भर की मैं बात करूंगा तो पूरा 100% ही समझिए, यानी कि 96% की तेजी देखने को मिली। और 6 महीनों में 50% की तेजी। इतना ही नहीं, पिछले एक साल में करीब इसने अगर पूरा एक साल पिछला निकालेंगे तो 200% की से भी ज़्यादा का शानदार मुनाफा बनाकर दिया है इस कंपनी के स्टॉक ने। इसे कहते हैं मल्टी बैगर, रिटर्न देने वाला एक जबरदस्त मजबूत स्टॉक। जी हाँ, बात हो रही है अतुल ऑटो के स्टॉक की। अब अतुल ऑटो का ये स्टॉक कैसा रहेगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक शामिल नहीं है दोस्तों तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। बाकी कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। आज की मैं बात करूंगा, आज है 30 अगस्त 2023 और आज ये स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। आज भी करीब 10% का तेजी इसके स्टॉक में देखने को मिली है और 10% की तेजी के बाद में इसका स्टॉक जो क्लोजिंग टाइम में आते आते करीब करीब 571 रुपए, यानी कि 571.30 रुपीज पर क्लोज हुआ है। 571.30 रुपए पर ये क्लोज हुआ है। अगर ओपनिंग की बात करें तो ये ओपन हुआ था 521 रुपए पर। तो आप समझ सकते हैं कि करीब 10% का इसमें तेजी आज सेम डे देखने को मिली है। बात करेंगे इसके 52 वीक्स के लो की, तो 52 वीक्स का जो लो रहा है 177.80 रुपए, और हाई की बात करेंगे तो आज ही का जो प्राइस है, जिस प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है, ये इसका 52 वीक्स का हाई है 571.30 रुपीज। अपर सर्किट लग गया है और आज अपर सर्किट इसमें लगा है करीब 571.30 रुपए पर। आप बात करते हैं पिछले एक महीने की डिटेल के साथ में, तो एक महीने के अंदर इसने 52% के आसपास के रिटर्न बनाकर दिए हैं। जी हाँ, 52% के आसपास के रिटर्न बना के दिए हैं। अगर एक सप्ताह की बात कर रहा हूँ, 1 वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, छः दिन के अंदर इसने इतना अच्छा बनाकर रिटर्न दिया है। लास्ट मंथ की बात करेंगे तो एक महीने के अंदर भी 58% के रिटर्न है, और लास्ट एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर 207% के रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। आज की जो तेजी है, अभी जो तेजी देखने को मिल रही है, उसका कारण क्या है वो सारा मैं आपसे बताऊंगा। साथ के साथ इस कंपनी के 14 डेज के अप प्राइस और डाउन प्राइस भी मैं बताने वाला हूं। कंपनी का अगर 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं तो उसमें ये कंपनी कितनी पोटेंशियल है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ के साथ कुछ मंथ वाइज, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस साल का रह गया है, तो उसके मंथ वाइज भी मेरा कुछ हमने जो प्रेडिक्शन तैयार की है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले बात करते हैं कि इस स्टॉक में तेजी आने का कारण क्या है। जी हाँ, ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है और ऑटो बनाने का काम करती है, और आज इसमें 30 अगस्त को 10% का अपर सर्किट लग गया है। इस समय ये स्टॉक NSE पर 571.30 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 कारोबारी दिनों में भी शेयर की कीमत में 52% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल बहुत सारे जो ब्रोकरेज हैं उन्होंने भी ओपन मार्केट के माध्यम से इस कंपनी में 1.65% की हिस्सेदारी हासिल की है। उसका ब्रोकरेज का नाम भी है KDIA सिक्योरिटीज, तो यही वजह है और बेसिक वजह यही है। तो इसी को बेस मान करके इन्वेस्टर इस स्टॉक में जमकर बाइंग कर रहे हैं। KDIA सिक्योरिटीज ने इसकी हिस्सेदारी खरीदी है, ये एक्सचेंज फाइलिंग में आया है, और एक्सचेंज फाइलिंग में इस रिपोर्ट में दिया गया है कि अतुल ऑटो ने ये अपनी फाइलिंग सेबी में जमा की है, कि उन्होंने बता दिया है KDIA सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने ओपन मार्केट के मीडियम से करीब 4.30 करोड़ शेयर, यानी कि 1.65% की हिस्सेदारी खरीद ली है। कंपनी ने आगे कहा है कि जो उसके अन्य जो प्रमोटर ग्रुप है, जो इनके प्रमोटर्स होल्डिंग वाले प्रमोटर्स हैं, जैसे उनका नाम जयंती भाई चंद्रा हैं, तो उन्होंने ओपन मार्केट के जरिए अतुल ऑटो में करीब 4,60,000 शेयर में अपनी 1.77% की हिस्सेदारी बेची है। तो इसके एक प्रमोटर ने 1.77% की हिस्सेदारी बेची है और KDIA सिक्योरिटीज ने खरीदी है। तो एक बेसिक कारण इसका यही है जिसके चलते इसके स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। और इसी बीच एक्सचेंज ने भी बुधवार को कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर अतुल ऑटो से हालांकि एक नोटिस दिया है, सफाई भी मांगी है, जिससे इन्वेस्टर्स के पास कंपनी के बारे में लेटेस्ट जानकारी होना चाहिए।
और बाजार को भी सूचना मिलती रहनी चाहिए, जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके एक तरह से बोलेंगे तो उनके हितों की रक्षा हो सके, यानी कि उनका पैसा भी सेफ हो सके। इसके लिए सेबी ने उनको एक नोटिस भी दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि अतुल ऑटो इस बात पर क्लीन चिट अपना क्लियर अपनी बात को रखें। बात करते हैं स्टॉक के प्रदर्शन की, तो स्टॉक का प्रदर्शन शुरू से हम बात कर ही रहे हैं। अतुल ऑटो एक मल्टी बैगर स्टॉक है, जिसने कम टाइम में बहुत शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। पिछले 6 दिनों में 52% की तेजी आई है, और 1 महीने में कंपनी के शेयर में 57% की तेजी देखने को मिली है, और 6 महीने के अंदर करीब 65% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है, और साल के उसमें अगर आप पूरा देखेंगे तो 207% के आसपास एक साल के अंदर इस स्टॉक ने रिटर्न बनाकर दिया है। अतुल कंपनी के बारे में बात करेंगे, अतुल ऑटो की, तो कंपनी अतुल ब्रांड के तहत थ्री व्हीलर बनाती है, और गुड्स के साथ साथ पैसेंजर सेगमेंट के स्पेयर पार्ट्स भी बनाती है, कंपोनेंट्स है इस तरह के जुड़े हुए, उनसे मिलते जुलते जो भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको सबको ये बनाती है। कंपनी थ्री व्हीलर इंडस्ट्री में एक स्ट्रांग प्लेयर है, और इसका डोमेस्टिक मार्केट में करीब 5% और टोटल बाजार में 3% इसका हिस्सा है, इतना इनका मार्केट है। ये कंपनी पैसेंजर कार्गो पेट्रोल डीजल लिक्विड पेट्रोलियम गैस इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग को पूरा करती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है। हालांकि कंपनी थ्री व्हीलर सेगमेंट में काम करती है, जिससे इसे जो सेगमेंट में अगर हम बात करेंगे तो कार सेगमेंट की बात करें, सेगमेंट कंस्ट्रक्शन में आने वाले समय में थोड़ा बहुत रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस सेगमेंट में जो थ्री व्हीलर है जैसे ये डीजल या पेट्रोल वाले व्हीकल बनाती है, तो अब हालांकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरे दूसरे ईंधन से चलने वाले व्हीकल्स की भी डिमांड बढ़ रही है, तो उस तरह के रिस्क इस कंपनी में आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे इससे आगे की फ्यूचर में इसमें कैसा ऑप्शन बनता हुआ दिखाई देता है। अभी ये 571 रुपये पर क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं इसके 14 डेज के जो हमने तैयार किया है प्रेडिक्शन, इसका अपसाइड और डाउनसाइड क्या रहने वाला है। अपसाइड की बात करेंगे तो इसमें आपको 2 वीक्स के अंदर 624.80 रुपये के आसपास इसका अपसाइड देखने को मिल जाएगा। डाउनसाइड की जहां तक बात करते हैं तो 495 रुपीज इसमें डाउनसाइड कमिंग 2 वीक्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो रहा कमिंग 2 वीक्स के अंदर इसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल प्रेडिक्शन का प्राइस। अब बात करेंगे इसके अर्निंग पोटेंशियल की, और साथ के साथ मंथ वाइज आगे कैसे ये रहने वाला है। अक्टूबर में आप देखेंगे तो ये करीब करीब इसी सेगमेंट में ही काम करता हुआ मिलेगा। अभी 571 है, तो ये 571 से 590-95 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। बात होगी नवंबर की, तो नवंबर में ये 620 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और दिसंबर में करीब 670-680 रुपीज के आसपास ही इस साल में ये काम करता हुआ दिख जाएगा। बात हो रही अर्निंग पोटेंशियल की, तो अर्निंग पोटेंशियल का ऐसा है कि इसके अंदर करीब करीब अभी दिसंबर तक अगर आप प्लान करते हैं तो इसमें 25% के मार्जिन अभी भी स्ट्रांगली इसमें देखने को मिल सकते हैं। इतना अर्निंग पोटेंशियल अतुल ऑटो में बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और ये अर्निंग पोटेंशियल डबल भी हो सकता है और थोड़ा घट भी सकता है, ये डिपेंड्स करता है मार्केट की चाल पर। अब जो प्रिडिक्शन हमने दिया की थी मैंने आपसे शेयर की है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। ये रहा अतुल ऑटो लिमिटेड के स्टॉक का पूरा डिटेल। अब बात करेंगे आगे की, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और सब शेयर भी करें। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।